अलवर की मूक बधिर किशोरी दिव्यांग के साथ गैंगरेप एवं धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने वाले दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर सजा दिलवाने एवं पीड़िता के समुचित इलाज पुनर्वास एवं मुआवजा प्रदान करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सक्षम संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि अलवर जिले में एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला कृत्य हुआ है। सभी पदाधिकारी इस घटना से दुखी हैं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना के बाद 6 दिन निकल गए हैं, लेकिन अलवर जिला पुलिस के हाथ खाली होने से व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इस संस्था की मांग है कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी तक पहुंचाया जाए। गैंगरेप नहीं होने वाले, गलत बयान देने वाले संवेदनहीन अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार तुरंत कार्यवाही करे। अलवर में एक नाबालिग किशोरी के साथ जघन्य असामाजिक व्यवहार हुआ, उसके साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के साथ साथ उसके शरीर के अंगों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से छेड़खानी की गई, उसको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया। सक्षम जयपुर और साथ साथ अजमेर जिला इकाई उसका आक्रोश के साथ विरोध करती है और राजस्थान के सारे जिला मुख्यालयों पर माननीय कलेक्टर महोदय को, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का एक आज अभियान चलाया गया है। उसी के अंतर्गत अजमेर इकाई में भी जिला मुख्यालय अजमेर के ऊपर कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी मांग है पीड़िता को उचित न्याय मिले। उन अधिकारियों को जिनने इसके अंदर ढंग से काम नहीं किया, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, पीड़िता के परिवार को सरकारी नौकरी मिले और उसको आर्थिक सहायता देके उसको सामाजिक समाज में एक प्रतिष्ठा वापस मिले। भारतेश मंगल, जिला संयोजक, सक्षम जयपुर, अजमेर जिला इकाई। दिव्यांग किशोरी के इलाज की समुचित व्यवस्था सरकारी खर्च पर हो, पुनर्वास तथा करोड़ रुपए नगद मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। टाइम 8 राजस्थान के लिए अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार बना है आपके कमेंट्स का।